जय माता दी। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ वैष्णो देवी माँ के दरबार में। दोस्तों नया रास्ता बना है माँ के दर्शन करने के लिए ताराकोट। जी हाँ, वहाँ से सीधा रास्ता जाता है भवन को। ये एक टोकन मिलता है, आप कोई पैसा नहीं लगता, एक मिनट में ये मिल जाता है और आप सीधा भवन में पहुँच जाएंगे। दोस्तों मेरी आंखों में फिलहाल आंसू है माँ के दर्शन करने के लिए। 20 साल बाद में माँ के दर्शन कर रहा हूँ और इतने जल्दी मैं दर्शन कर रहा हूँ, और क्या बताऊँ, मेरे पास पैसे भी बहुत कम है। स्टेशन से ऑटो वाला लेगा आपका 100 रुपया तारागढ़ का, और तारागढ़ से आपको ज़्यादा रश देखने को भी नहीं मिलेगा, आराम से आप चढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जेंट्स लेडीज और वॉशरूम भी आपको मिल जाएंगे, टॉयलेट्स फॉर जेंट्स। जरा मौसम देखिए दोस्तों, कितना सोना हुआ है माँ के दरबार का। वाह क्या नज़ारा है। सच में इतना आनंद आ रहा है, क्या आपको बताऊं। साथ साथ में माँ का गुणगान चल रहा है। आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ माता रानी के दर्शन कीजिए। जय माता दी। रास्ते में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। आइए माँ के दरबार और माँ के दर्शन कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। मात्र 6 घंटे में मैं पहुंच गया माता वैष्णो देवी जी के भवन में। तो चलिए अपना नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। सो भैया जी दर्शन कर लिए हैं, कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं हमारे। तो भैया जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये उधमपुर के रहने वाले हैं और हमारी वीडियो देखते हैं। तो चलिए इनके साथ चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। याद रखिए, कभी भी आपने वैष्णो देवी के माँ के दर्शन करने आना तो रात को आइयो, रात के आए तो रात को दर्शन खुले होते हैं माँ के। तो चलिए मिलते हैं आपको भैरव बाबा के मंदिर। दोस्तों भैरव बाबा के हमने दर्शन कर लिए हैं, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और जय माता की कहना ना भूले। बोलो साचे दरबार की जय।